या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपका अपना चैनल शिव शक्ति एंड यूजफुल लाइफ टिप्स में स्वागत है। कलश का विसर्जन कब व कैसे करें, मां के पार्थिव रूप का विसर्जन कैसे करें, 9 दिनों की पूजा सामग्री का क्या करें, कलश पर रखे नारियल का क्या करें, आदि सब बातों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। कन्याओं का पूजन कुछ लोग अष्टमी को करते हैं और कुछ नवमी को करते हैं। जिस दिन भी आप कन्या पूजन करते हैं उस दिन पहले माँ के मंत्रों से हवन करना चाहिए, उसके बाद कन्या पूजन करें। अब बात आती है विसर्जन की। दोस्तों, कुछ लोग कलश का विसर्जन नवमी को कर देते हैं जो उचित नहीं है। आपकी 9 दिनों की पूजा पूर्ण नहीं लगेगी, क्योंकि माँ का नवा रूप सिद्धिदात्री की पूजा पूर्ण विधि विधान के अनुसार की जानी आवश्यक होती है। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा का फल हमें 9वें दिन ही प्राप्त होने वाला होता है। माँ सिद्धिदात्री हमें नवनिधियाँ प्रदान करती हैं, इसलिए हमें नवरात्रि के 9वें दिन भी अन्य 8 दिनों की भांति माँ की पूजा आराधना करना चाहिए और 10वीं के दिन कलश व माँ के पार्थिव रूप का विसर्जन करना चाहिए। वर्ष 2022 में शारदीय नवरात्रि की पूजा के उपरांत दशहरे का दिन 5 तारीख दिन बुधवार को है। कलश व माता के विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:24 से 11:45 तक। 10वीं की तिथि को जब हमें माँ का विसर्जन करना है उससे पहले सुबह वैसे ही धूप दीप जलाकर माँ की पूजा आराधना करना चाहिए। फिर कुछ देर बाद माँ के चरण छूकर माँ की मूर्ति को थोड़ा हिलाना है, हाथों से थोड़ा सा ऊपर उठाकर वापस रख देना है, कलश को भी थोड़ा सा हिलाना है और मन ही मन माँ के मंत्र जैसे ओम दुम दुर्गाये नमः का उच्चारण करना है। हमने माता की 9 दिन जिस सामग्री से पूजा की उसमें से कुछ सामग्री घर में रखने के लिए होती है और कुछ विसर्जन के लिए होती है। अब पहले हम माता के बारे में बात करते हैं। हमें 2 थाली लेनी है, एक में जो सामग्री आप अपने घर में रखने वाले हैं, एक थाली उसके लिए, और जिस सामग्री का विसर्जन करना है उसके लिए दूसरी थाली रख लीजिए। यदि आपने माँ की वह तस्वीर व मूर्ति रखी है जिसकी पूजा आप प्रतिदिन अपने मंदिर में करते हैं तो दोनों हाथों से उठाकर उसे अपने मंदिर में स्थापित कर देंगे, और यदि माँ का पार्थिव रूप स्थापित किया है तो उसे विसर्जन के लिए थाली में रख लेंगे। माँ की चुनरी का विसर्जन यदि आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन यदि आप धन धान्य की बरकत चाहते हैं तो इसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। माता की चौकी को अपने घर में ही रखते हैं और जो चावल माँ की स्थापना के लिए रखे थे उसमें से एक चुटकी चावल लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन धान्य की बरकत आती है, बाकी चावल पक्षियों को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कलश की। सबसे पहले नारियल को दोनों हाथों से उठाकर अपने माथे से लगाकर उस पर बंधे मौली व चुनरी को खोलेंगे, फिर इस नारियल को या तो अपनी तिजोरी में या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध लेने से घर की सारी नकारात्मकता खत्म होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस नारियल को कभी भी तोड़कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह नारियल साक्षात लक्ष्मी का रूप होता है। यदि आप इस नारियल को तोड़ते हैं इसका मतलब है आप लक्ष्मी माता के सिर को तोड़ रहे हैं। घर में दूसरा नारियल मंगवाकर प्रसाद के लिए ग्रहण करना चाहिए। अब कलश के ऊपर रखे अक्षत व अम्र पलव को विसर्जन थाली में लेंगे। अब लोटे का जो जल है घर के सदस्यों को राइट हैंड में थोड़ा थोड़ा देकर अपनी आंखों पर व माथे पर लगाना चाहिए। कुछ जल से घर में छींटा देना चाहिए। कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। घर में छींटा देने से हमारे घर में सकारात्मकता आती है। कलश में रखे सिक्के को अपनी तिजोरी में रखना चाहिए, इससे बरकत आती है। बाकी सामग्री को विसर्जन के लिए रख लीजिए।
और कलश का बाकी बचा जल तुलसी के पौधे को छोड़कर अन्य पौधों में छोड़ देना चाहिए। अब आपने जो फूल प्रतिदिन माँ को चढ़ाए होंगे उन्हें व बाकी विसर्जन सामग्री को आप किसी पवित्र पेड़ जैसे पीपल व बरगद के नीचे दबा सकते हैं, या माता का पार्थिव रूप मूर्ति जिसका आपको विसर्जन करना है उसके साथ किसी नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। ध्यान रखिए उसमें कोई प्लास्टिक वस्तु न हो जो पानी में घुल ना सके। और कलश स्थापना के समय जो जौ बोए जाते हैं उसमें से 9 जौ अपनी तिजोरी में रखने से बरकत आती है, और थोड़े जौ परिवार के सदस्यों को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जौ में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और 9 दिनों की पूजा से उसमें सभी देव देवताओं की शक्ति भी समा जाती है। और थोड़े जो विसर्जन सामग्री में भी अवश्य रखना चाहिए, बाकी बचे जो गाय को खिला सकते हैं। अखंड ज्योत में नवमी के बाद घी ना डालें, क्योंकि जब तक ज्योत जलती रहती है हमें उसे बुझाना नहीं होता है और घी न डालने पर वह स्वयं बुझ जाती है। दशमी के दिन हमें उस बाती को भी विसर्जन सामग्री में ले लेना चाहिए, और हवन की राख को एक पोटली में थोड़ी सी बांध कर घर में रख लें व उससे थोड़ी थोड़ी अपने घर में छिड़कने से सकारात्मकता आती है। बच्चे के बीमार होने या घर के किसी सदस्य के बीमार होने पर माथे व छाती पर लगाने से बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाता है। बाकी बची हवन की राख पेड़ पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं, अपने खेत में भी डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय माता दी, जय माँ भवानी।